आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है चंडीगढ़ से, आपको बता दें, जहां हरियाणा राज्यपाल से आज कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने जा रहा है, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे। कांग्रेस विधायक करीब 4 बजे हरियाणा राजभवन जाएंगे, जहां कई मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अपनी कई मांगों को लेकर, खासतौर पर विधायकों को धमकी से जुड़ा हुआ मसला है, जिस पर हरियाणा के राज्यपाल से कांग्रेस विधायकों का ये प्रतिनिधिमंडल मिलने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में राज्यपाल से ये मुलाकात करेंगे। 4 बजे हरियाणा राजभवन पहुंचेंगे कांग्रेस विधायक। अनिल है हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अनिल बताएं, अब जो है विधायकों को धमकी देने का मामला अब और ज्यादा तूल पकड़ रहा है, अब विधायकों का ये प्रतिनिधिमंडल जो है राज्यपाल से मिलने जा रहा है, तो किस तरीके से आज के इन कार्यक्रमों की रूपरेखा रहेगी, कैसे अपनी बात को वो राज्यपाल तक पहुंचा रहे हैं और आखिर क्या कहना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ये विधायक? बिल्कुल, देखिए अरुण, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में आज कांग्रेस के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचेगा। 4 बजे शाम का समय लिया गया है हरियाणा के राज्यपाल से और ज्ञापन सौंपा जाएगा प्रतिनिधिमंडल की तरफ से। और जिस तरीके से पिछले दिनों हरियाणा के जो विधायक है उनको धमकियां जिस तरीके से मिल रही है, इस पूरे मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश में मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर भी ज्ञापन सौंपा जाएगा और ज्ञापन में और भी बिंदु जो है वो रह सकते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा रह सकता है और अन्य मुद्दे जो है वो रह सकते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस विधायकों की तरफ से ज्ञापन सौंपा जाएगा। कहीं ना कहीं घेरने की रणनीति हरियाणा सरकार को है, क्योंकि जिस तरीके से विधायकों को धमकियां मिल रही इस मामले को लेकर, कुमारी शैलजा जो पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा कांग्रेस की, उनकी तरफ से भी राज्यपाल को कुछ दिन पहले ज्ञापन सौंपा गया था। और इस पूरे मामले को लेकर हालांकि त्वरित कार्रवाई अपने स्तर पर भी देखने को मिल रही सरकार की, विधानसभा स्पीकर की तरफ से भी विधायकों के मामले को लेकर एक पत्र लिखा गया था सुरक्षा बढ़ाने को लेकर, जिसके बाद सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। इसको लेकर हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले की जांच की बात की गई थी। जी, अब ये जो विधायक जा रहे हैं, हमने देखा कि इससे पहले किरण चौधरी ने भी एक चिट्ठी लिख करके राज्यपाल को ये मांग की है कि जो ये मामला है, और सरकार से हालांकि उन्होंने चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को सीधा पत्र उन्होंने लिखा और इसमें SIT की जांच की मांग की है, तो ये अब मामला जो है किस तरीके से इसमें चीजें हो सकती हैं, सरकार की तरफ से इसको किस एंगल से लिया जा रहा है? और 2 से 3 दिन पहले जब खुद विधानसभा के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने इस बात का को उठाया था जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था। बिल्कुल, देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री पहले ही जांच बात पूरे मामले को लेकर कर चुके हैं। सुरक्षा जो है वो विधायक की बढ़ा दी गई है, सरकार की तरफ से सुरक्षा बढ़ाई गई है विधायकों की। इस मामले को लेकर हरियाणा ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से भी पत्र लिखा गया था विधायकों को लेकर, आपके स्तर पर सरकार की तरफ से कदम सुरक्षा की बात हो या इस मामले की जांच की बात हो। इसके बाद ही जो विधायकों का मंडल मुलाकात है राज्यपाल से, उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी और समेत अन्य मुद्दे रह सकते हैं। जी, तो बिल्कुल अनिल, अब ये मामला जो है इसमें अब मुझे लगता है कि इसमें और अनिल, अब जिस तरीके से अब ये विधायकों का जाना है कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहीं ना कहीं इस पर रिएक्शन ज़रूर आएगा। और क्योंकि इस बात का जिक्र पहले भी किया गया है कि बेवजह की बातों को तूल दिया जा रहा है और सरकार जो है सब पूरी सुरक्षा दे रही है और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का एक प्रयास हो रहा है, इस तरीके की बातें पहले से ही की जा रही हैं, तो क्या अब कांग्रेस विधायकों का यहाँ जाना, तो उसके बाद जब BJP की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, तो क्या इस तरीके की प्रतिक्रियाएं रह सकती हैं? बिल्कुल, देखिए अरुण, क्योंकि विधायक की बात की जाए तो उसमें कांग्रेस के विधायक है, उनको भी धमकी जो है वो मिली है। ऐसे में हालांकि पार्टियों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है, कांग्रेस के चाहे उसमें कुमारी शैलजा की बात हो, उनकी तरफ से ज्ञापन सौंपा गया, किरण चौधरी की तरफ से कल पत्र लिखा गया और इसको लेकर बयान भी सामने आ रहे हैं।
हालांकि इस पूरे मसले को लेकर दोनों ही दलों की तरफ से, के नेताओं की तरफ से चिंता जाहिर की जा रही है। अब शुरू होगा कहीं ना कहीं कटाक्ष का सिलसिला, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर आज जो ज्ञापन सौंपा जाना है उसके ऊपर देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब कांग्रेस विधायकों का ये प्रतिनिधिमंडल जो है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, उनके समर्थन, उनके नेतृत्व में जो है वो जाएगा राज्यपाल से मिलने, और विधायकों पर जो हमले हो रहे हैं या उनको धमकी दी जा रही है हमलों की, उसके बारे में अपनी बात रखेगा। तो शाम को 4 बजे कांग्रेस विधायकों का यह प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहा है। इससे पहले किरण चौधरी ने भी विधायकों पर जो उनको धमकियां दी जा रही हैं उनके मुद्दे को किरण चौधरी ने भी मुख्यमंत्री के सामने उठाया था एक चिट्ठी भेज करके, और ये मांग की इस पूरे मसले में SIT से जांच कराई जाए।